है इनकम खाली एडवर्टाइजिंग ही इनकम का सोर्स है, और एडवर्टाइजर भी ये बात जानते हैं कि ब्रॉडकास्टरों के पास अभी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आ नहीं रही है और कैरेज फी उनको बहुत बड़ी मात्रा में देनी पड़ रही है, तो एडवर्टाइजर भी उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, और जो रेट बाकी देशों में मिलना चाहिए वो भारत जैसे बड़े देशों में आज ब्रॉडकास्टरों को नहीं मिल रहा है। तो इसी की वजह से ब्रॉडकास्टरों की मजबूरी है कि उसको ब्रॉडकास्टरों को भी पसंद नहीं है बहुत ज्यादा इन्वेंटरी मार्केट में थ्रो करना, वो ब्रॉडकास्टरों के भी हित में नहीं है, लेकिन एक उनकी मजबूरी है कि उनके एक्सपेंस मेट करने के लिए उनको आज ज्यादा इन्वेंटरी लेनी पड़ रही है। और इसको भी आप बंद कर दोगे और खर्चे वही चालू रहेंगे, आवक कम हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, और होगा ये कि कुछ बड़े प्लेयर बचेंगे। अगर यही मनसा है कि बड़े प्लेयर ही बचे और बाकी सब प्लेयर मार्केट से आउट हो जाए, तो ये जो भी ट्राई का जो रिजोल्यूशन है वो इमीडिएट इंप्लीमेंट करें इसका। जब तक कैरेज फी पे कंट्रोल नहीं होता, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ढंग से बढ़ नहीं जाती, तब तक इस पे कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो मार्कंड अधिकारी साहब, कभी आप जो टीवी देखने वाला बेचारा दर्शक है उसके बारे में भी कभी कुछ थोड़ा सा व्यू पॉइंट लेते हैं कि वो कितना पक जाता है, कितना थक जाता है एक ही तरह की प्रोमोज देख देख के, एक ही तरह के एड्स देख देख के, क्या उसकी तरफ थोड़ी सी कुछ बात कहेंगे आप? हाँ हाँ, तो या उसका पॉइंट यही है कि जो अपना टीवी देखने वाला जो दर्शक है उसको आदत पड़ी हुई है कि 100 रुपये में 150 चैनल देखने की, 100 से 300 रुपये में 150 चैनल देखने की। आज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री, आज यूके और यूएसए में आपको इतनी चैनल देखने के लिए इंडियन रुपीज के दिखा दे 3000 रुपये देने पड़ते हैं, तो भी वो घर में 4 लोग मोबाइल फोन यूज करें प्रीपेड, तो भी 600 से 800 रुपया देना पड़ता है। और यहाँ पे क्योंकि आपको पहले से एक आदत डाली गई है कि 100 रुपये से 300 रुपये में आप 200 चैनल देख लो, आपको कोई चैनल का एक्स्ट्रा देने की अभी तक आदत पड़ी नहीं है, तो आपको वो भी नहीं चाहिए, और आपको एडवर्टाइजमेंट है वो आपको आपका सर पका रही है, तो आपको खुद तो सहन करना पड़ेगा, या तो आप हर पर चैनल सब्सक्रिप्शन फी दीजिए और या अपना सर पका लीजिए। कहने का मतलब ये एंटरटेनमेंट आपके लिए बंद, आपके लिए बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये मार्कंड अधिकारी साहब कि उपभोक्ता को भी आदत पड़ चुकी है, आप लोगों की भी आदत पड़ चुकी है, परमेश्वरन साहब ऐसे ही मानते हैं, इतने समय से चल रहा है लेकिन आदत बनी हुई है। दरअसल आप बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ अनुराग बत्रा साहब बैठे हैं। अनुराग बत्रा साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि मेरा फंडामेंटल डिस्कनेक्ट ये है कि व्हाई शुड द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट, सरकार या TRAI क्यों रेगुलेट करे, मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करे, कंज्यूमर डिसाइड करे। एक रिमोट कंट्रोल है, अगर एक कंज्यूमर को एक चैनल पे एडवर्टाइजिंग ज्यादा दिख रही है तो दूसरे चैनल पे जाके देख, भी एडवर्टाइजमेंट ही चल रहे होते हैं उस टाइम। मेरा उस पर जवाब है, मेरा उसके लिए आपके लिए जवाब है, DTH के एरा में फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग फ्री चैनल आएंगे, वो देखे पैसे दे और वो देखे। दूसरा, जहां तक परमेश्वरन सर आपका ये कहना है कि एक रूल 2006 से नहीं है, तो 19 साल से सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो केबल एक्ट ऑफ 1994 या सो एनीवे सरकार ने बहुत सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट नहीं की, क्योंकि सरकार को पता है कि ग्राउंड रियलिटीज एक सर्टेन तरीके की है, तो इट वॉज कॉम्पैशनेट टू दी ब्रॉडकास्टर्स कोई भी सरकार थी। और सरकार, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जहां कह रहे हैं कि आप एक रूल है तो उस रूल को चलने दीजिए क्योंकि सरकार ने बनाया है, लेकिन सरकार भी अपने रूल रिकंसिडर करती है आवाम के हित में, इंडस्ट्री के हित में। और मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री का हित और आवाम का हित में कुछ कॉमनैलिटी भरा हुआ है, और उसमें आप स्त्री को बचाने की बात, यौन हिंसा के विरुद्ध में खबर दिखा रहे हैं, और सारा मेल चौइज्म जो है स्क्रीन पर भरा हुआ है। तो एक तरफ मेल चौइज्म है, इतनी मूर्ख है क्या इस देश की स्त्रियां भी 150 के DO के लिए एक दर्जन लड़कियां खड़ी हो जाएगी, 40,000 के बाइक के लिए 2 दर्जन लड़कियां आपके पीछे दौड़ पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा। तो ये सवाल सरोगेट वे में इसके कंटेंट को लेकर भी है। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि आपको कंटेंट पर खर्च करने पर आपकी एकदम नानी आ जाने लगती है, और सी ग्रेड के चैनल है, डी ग्रेड के चैनल, 5 स्टार 7 स्टार में अपने चैनल लॉन्च कर रहे हैं, प्रमोशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि टोटल रेवेन्यू का कितना पैसा आप कंटेंट पर खर्च कर रहे हैं और बाकी के ये शो ऑफ तामझाम है उस पर कितना खर्च कर रहे हैं। आपको पूरे क्रॉस कटिंग पर फिर से बात करनी है। ओके, और अभी हमारी बात खत्म नहीं हो रही, हम एक ब्रेक बहुत अवश्यम भावी है लेकिन बिल्कुल सही मौके पे हमने ब्रेक लिया है, किसी की बात काटी नहीं है, छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं थोड़ा।